वज़ीर-ए-आज़म ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी कि इलेक्ट्रिक को आज से मुकम्मल गैस फराहम करने का ऐलान। शहर में बिजली भी होगी, पानी भी होगा। शाहिद हकान अब्बासी की यकीन दहानी। दीगर मसाइल 15 रोज में हल करने की हिदायत। इजाफी गैस की फराहमी। के इलेक्ट्रिक और सुई सर्जन गैस कंपनी में मुआहदा तय पा गया। टी ओ आर के दस्तावेजात पर दस्तखत। लोड शेडिंग का मसला 15 साल में हल नहीं हो सका, 15 दिन में कैसे होगा, शहरी नाउम्मीद। शहरी इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग। आबिद शेर अली कारकर्दगी ठीक करने की बजाय आवाम को बुरा भला बोलते हैं। वजीर आला सिंह ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वजीर आजम की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान चले गए। हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया, अब आपसे ही उम्मीदें हैं। कराची के शहरियों ने वाटर कमीशन के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। पानी घर घर पहुंचाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम की यकीन दहानी। एक माह में एमडी वाटर बोर्ड से रिपोर्ट तलब। मुल्क में जमहूरियत नहीं, बदतरीन डिक्टेटरशिप है। अगली तगड़ी पार्लियामेंट आएगी तो सब कुछ ठीक कर देंगे। ऊपर से हुक्म आया वाली बात को मानी खेज करार दिया। इमरान खान बताएं किसके कहने पर वोट दिए। नवाज शरीफ की अदालत पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज की रात गए लंदन से वापसी। सुबह एहतसाब अदालत हाजिर। एवन फील्ड रेफरेंस में नए गवाह। डीजी नैब ने लंदन फ्लैट की ऑफिशियल रजिस्टर्ड कॉपी पेश कर दी। पंजाब का आइंदा बजट पेश होगा या नहीं, केपी हुकूमत के इकदाम ने मुश्किल में डाल दिया। सूबाई वजीर कानून राणा सनाउल्लाह ने ऐलान दूसरे सूबों से मशरूत कर दिया। ब्यूरोक्रेसी ने भी बजट पेश करने की मुखालिफत कर दी। ऐवान जाने, वजीर आजम जाने, हुकूमत जाने। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले एमकेएम के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा सुहेल मंसूर का एमनेस्टी स्कीम के खिलाफ मुस्ताफी होने का फैसला। चीफ जस्टिस से अब खुद नोटिस देने का मुतालिबा। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन हमनसब की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कोशिशों को सराहा। यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। सरकारी इदारों में भर्तियों पर पाबंदी का मामला। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार कहां से आया? क्या इस तरह का फैसला हुकूमती उमूर मुतासर नहीं करेगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए, अदालत के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट का तमाम सूबों को सिक्योरिटी फराहम फॉर्मूला एक हफ्ते में तय करने का हुक्म। कानून के मुताबिक नवाज शरीफ की जो सिक्योरिटी बनती है मिलनी चाहिए। किसी को जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहते, चीफ जस्टिस के रिमार्क। कराची में राबिया ज्यादती और कत्ल केस में अहम पेशकश। गिरफ्तार मुलजिम फजल मोहम्मद ने दरिंदगी का एतराफ कर लिया। दो एनी शाहिदीन ने भी तीनों गिरफ्तार मुजरिमान को शनाख्त कर लिया। तैयबा तशद्दुद केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दो रुकनी बेंच से साबिक एडिशनल एंड सेशन जज और अहलिया को एक एक साल कैद की सजा मुअत्तल कर दी। समाअत मई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। वजीर आजम ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी कि इलेक्ट्रिक को आज से मुकम्मल गैस फराहम करने का ऐलान। शहर में बिजली भी होगी, पानी भी होगा। शाहिद हकान अब्बासी की यकीन दहानी। दीगर मसाइल 15 रोज में हल करने की हिदायत। इजाफी गैस की फराहमी। के इलेक्ट्रिक और सुई सर्जन गैस कंपनी में मुआहदा तय पा गया। टी ओ आर के दस्तावेजात पर दस्तखत। लोड शेडिंग का मसला 15 साल में हल नहीं हो सका, 15 दिन में कैसे होगा, शहरी नाउम्मीद। शहरी इलाकों में 18 घंटे लोड शेडिंग। आबिद शेर अली कारकर्दगी ठीक करने की बजाय आवाम को बुरा भला बोलते हैं। वजीर आला सिंह ने शिकायत के अंबार लगा दिए। वजीर आजम की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान चले गए।
हुकूमत ने तो कुछ नहीं किया, अब आपसे ही उम्मीदें हैं। कराची के शहरियों ने वाटर कमीशन के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। पानी घर घर पहुंचाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम की यकीन दहानी, एक माह में MG वाटर बोर्ड से रिपोर्ट तलब। मुल्क में जमहूरियत नहीं, बदतरीन डिक्टेटरशिप है। अगली तगड़ी पार्लियामेंट आएगी तो सब कुछ ठीक कर देंगे। ऊपर से हुक्म आया वाली बात को मानी खेज करार दिया। इमरान खान बताएं किसके कहने पर वोट दिए। नवाज शरीफ की अदालत पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज की रात गए लंदन से वापसी। सुबह एहतसाब अदालत हाजिर। एवन फील्ड रेफरेंस में नए गवाह। DG नैब ने लंदन फ्लैट की ऑफिशियल रजिस्टर्ड कॉपी पेश कर दी। पंजाब का आइंदा बजट पेश होगा या नहीं, KP हुकूमत के इकदाम ने मुश्किल में डाल दिया। सूबाई वजीर कानून राणा सनाउल्लाह ने ऐलान दूसरे सूबों से मशरूत कर दिया। ब्यूरोक्रेसी ने भी बजट पेश करने की मुखालिफत कर दी। ऐवान जाने, वजीर आजम जाने, हुकूमत जाने। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले MQM के रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा सुहेल मंसूर का एमनेस्टी स्कीम के खिलाफ मुस्ताफी होने का फैसला। चीफ जस्टिस से अब खुद नोटिस देने का मुतालबा। आज चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से श्रीलंकन हम मंसब की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कोशिशों को सराहा। यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। सरकारी इदारों में भर्तियों पर पाबंदी का मामला, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार कहां से आया? क्या इस तरह का फैसला हुकूमती उमूर मुतासर नहीं करेगा? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। इंतखाबात में ताखीर नहीं होनी चाहिए, अदालत के रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट का तमाम सूबों को सिक्योरिटी फराहम फॉर्मूला एक हफ्ते में तय करने का हुक्म। कानून के मुताबिक नवाज शरीफ की जो सिक्योरिटी बनती है मिलनी चाहिए। किसी को जिंदगी को खतरे में नहीं डालना चाहते, चीफ जस्टिस के रिमार्क। कराची में राबिया ज्यादती और कत्ल केस में अहम पेशरफ। गिरफ्तार मुल्जिम फजल मोहम्मद ने दरिंदगी का एतराफ कर लिया। दो एनी शाहिदीन ने भी तीनों गिरफ्तार मुल्जिमान को शनाख्त कर लिया। तैयबा तशद्दुद केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दो रुकनी बेंच से साबिक एडिशनल एंड सेशन जज और अहलिया को एक एक साल कैद की सजा मुअत्तल कर दी। समाअत मई के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। इजाजत दे तो मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए जी, BDR जो आप बना रहे हैं यहाँ पे, अफसोस है, BRT जो भी उसका नाम है, इससे पहले 4 साल आपने वावेला पीटा है कि जी जंगला बस जंगला बस जंगला बस, और आपने कहा जी इतने पैसे इतनी कमीशन खा गए। अगर वो जंगला बस थी तो फिर आपको ये बनाने की क्या ज़रूरत थी? आप तो एजुकेशन पे, आप तो हेल्थ पे और बाकी जो चीज़ें जो आपकी प्रायोरिटी पे थी आपने उन पे पैसे लगाने थे। ये अचानक आपके टेन्योर के आखिरी 6 महीने में आपको इसकी BDR की ज़रूरत क्यों पड़ गई? दूसरा ये कि अगर आपके पास विजन होता, आप इस तंग शहर को खोद के यहाँ पे BTR न बनाते, सॉरी मेरे जबान पे उतर, BRT को खोद गया पेशावर का। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। इजाजत दे तो मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए जी, BTR जो आप बना रहे हैं यहाँ पे, अफसोस है, BRT जो भी उसका नाम है, इससे पहले 4 साल आपने वावेला पीटा है कि जी जंगला बस जंगला बस जंगला बस, और आपने कहा जी इतने पैसे इतनी कमीशन खा गए। अगर वो जंगला बस थी तो फिर आपको ये बनाने की क्या ज़रूरत थी? आप तो एजुकेशन पे, आप तो हेल्थ पे और बाकी जो चीज़ें जो आपकी प्रायोरिटी पे थी आपने उन पे पैसे लगाने थे। ये अचानक आपके टेन्योर के आखिरी 6 महीने में आपको इसकी BTR की ज़रूरत क्यों पड़ गई? दूसरा ये कि अगर आपके पास विजन होता,
आप इस तंग शहर को खोद के यहाँ पे बीटीआर न बनाते, सॉरी मेरे जबान पे उतर, बीआरटी को खोद गया पेशावर का। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट दुनिया न्यूज़.tv और देखते रहिए दुनिया न्यूज़।